कॉमरेड अध्यक्ष, मंच पर बैठे हुए एसएफआई का भूतपूर्व अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड सीताराम येचुरी, भूतपूर्व अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड एम ए बेबी, भूतपूर्व अखिल भारतीय महासचिव कॉमरेड नीलोत्पल वासु, यहाँ पर मौजूद भारत का जन्मदिन नौजवान सभा का संस्थापक महासचिव और अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव कॉमरेड हनुमान मुल्ला, यहाँ पर मौजूद राजस्थान का आवाम का लीडर कॉमरेड अमरा राम, यहाँ पर मौजूद कॉमरेड अजीत सिंह बेनीवाल का पिताजी, यहाँ पर मौजूद एसएफआई का अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर वी शिवदासन और हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए एसएफआई का जावाज विद्यार्थी साथियों, मैं सबसे पहले ये राजस्थान के शिखर में, ये संग्राम का मिट्टी में, ये लड़ाई का मिट्टी में पूरी हिंदुस्तान से जो लोग डेलीगेट बनकर आए हैं और यहाँ पर जो लोग ये रैली में शामिल हुए हैं, सब लोगों को एसएफआई का केंद्रीय कार्यकारिणी के ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। और मुझे ये लगता है ये चल रहा है हमारा ये रैली, और ये रैली आप लोग सुन चुके हैं, जो लोग जेल के अंदर थे वो लोग आए थे मंच पे, सुभाष जाकर कभी बेल हो चुका है, मुझे लगता है जयपुर तक ये संदेश अब तक पहुंच गया होगा ये शिखर कमिटी से कि हाथ जिसमें है जुनून वो कटते नहीं तलवार से, सर जोड़ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। जिस तरीके का दमन पीड़न हो रहा है ये सिर्फ राजस्थान का सवाल नहीं, हम लोग जब 15वां अखिल भारतीय सम्मेलन यहाँ पर कर रहे हैं, एसएफआई का 15वां अखिल भारतीय सम्मेलन जब होने जा रहा है यहाँ पर हो रहा है, आज के ये रैली का दरमियान ये काम शुरू हुआ है, हम लोग एसएफआई का ये 15वां अखिल भारतीय सम्मेलन का जो नारा है कि निजीकरण के खिलाफ लड़ाई को तेज करना है, निजीकरण के खिलाफ जैसे लड़ाई को तेज करना है, सांप्रदायिकीकरण के खिलाफ और शिक्षा का सांप्रदायिकीकरण निजीकरण के साथ साथ ये केंद्रीकरण का जो काम हो रहा है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। और ये लड़ाई पूरी हिंदुस्तान के पैमाने में जनवाद के ऊपर जो हमले हैं, विद्यार्थी लोगों का जनवाद के ऊपर जिस तरीके के हमले हैं, विद्यार्थी लोगों का जनवाद के ऊपर हमले ये सिर्फ राजस्थान का सवाल नहीं है, कॉमरेड लोग जिक्र कर रहे थे हिंदुस्तान के हर कोने में जो तानाशाही अलग अलग जगह में सत्ता में है, जो हुक्मरान अलग अलग जगह में सत्ता में है, जैसे बंगाल में अब सुन रहे थे ममता बनर्जी का हुक्मरान, ममता बनर्जी का तानाशाही, पुलिस का हिरासत में, पुलिस का हिफाजत में कॉमरेड सुदीप्त गुप्त का मौत हो गया, सैफुद्दीन मल्ला का तस्वीर यहाँ पर है, पुलिस और पुलिस के अगुवाई में वहां देखा गया ये टीएमसी के गुंडे लोग, ये जनवाद के ऊपर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, लाठी से पीट कर मार डाला, जैसे लिकर माफिया ने ये भादरा कॉलेज का जो अध्यक्ष है छात्र संघ का अजीत सिंह बानी बेनीवाल, उसको जिस तरीके से मारा गया उसी तरीके से सैफुद्दीन मौला का मौत हुआ। ये सिर्फ बंगाल का सवाल नहीं, बंगाल से केरल हो सकता है, केरल से हिमाचल प्रदेश हो सकता है, हमारे जो लोग जावाज लोग एसएफआई का जो नारा है, एसएफआई का जो काम है इंस्टीट्यूशन के अंदर, इसको आगे ले जाते हुए जिन लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं और खास करके ये जनवाद के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, एसएफआई का 15वां अखिल भारतीय सम्मेलन से हम लोग ये बात बोलना चाहते हैं कि जनवाद के लिए, विद्यार्थी लोगों का जनवाद के लिए आने वाले समय में हर जगह लड़ाई मजबूत करना पड़ेगा, हर जगह लड़ाई तेज करना पड़ेगा। और राजस्थान में खासकर पिछले 30 दिसंबर से जिस तरीके के हमले शुरू हुए हैं, ये शिखर में नहीं हर जगह हमले हो रहे हैं, और जनवाद के लिए राजस्थान में विद्यार्थी लोगों का मुद्दा को लेकर राजस्थान के अंदर एसएफआई का लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। अशोक गहलोत जब राजस्थान का चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, छात्र संघ का चुनाव उस समय हम लोग लड़े थे, क्योंकि उसके पहले महारानी वसुंधरा राजे का पिछले सरकार के दरमियान छात्र संघ चुनाव के ऊपर रोक लगा दिया गया था, हम लोग लड़ाई लड़े थे, मिट्टी के अंदर लड़ाई लड़े थे, कॉलेज के अंदर लड़ाई लड़े थे, और जब चुनाव हुआ उसके बाद चुनाव के पहले गहलोत का यह चुनावी वायदा था कि हम लोग का सरकार आ जाने के साथ साथ छात्र संघ चुनाव का बहाली हो जाएगा,
बहाली हुआ नहीं। एक साल बीत गया, दो साल बीत गया, मुझे याद है राजस्थान के असेंबली के बाहर जैसे आप लोग यहाँ चार शिखर में आए हैं, उस दिन जयपुर में पूरी राजस्थान के पैमाने से विद्यार्थी लोग आए थे, घेर चुके थे विधानसभा को। बाहर विद्यार्थी लोगों का घेराव चल रहा था और अंदर कॉमरेड अमराराम, कॉमरेड पेमाराम, कॉमरेड पवन दुग्गल अपने आवाज बुलंद कर रहे थे कि छात्र संघ का बहाली होना चाहिए। बहाली हुआ था छात्र संघ का, और छात्र संघ का बहाली होने के बाद ये देखा गया कि चुनाव जब हुआ सेरने सिवाय एबीवीपी नहीं, राजस्थान में हर जगह एसएफआई का झंडा लहरा रहा है। और हम लोग को देखने मिला ये शिखर का कल्याण कॉलेज। कल्याण कॉलेज में क्या हुआ, चुनाव जब आता है तो केलादर वसुंधरा एक हो जाते हैं, एनएसयूआई और एबीवीपी एक हो जाते हैं, क्योंकि एसएफआई को हराना है। एक होकर एसएफआई के हराने के लिए ये काम हो रहा है। और पूरी राजस्थान के पैमाने में अगर हम लोग देखेंगे, सीकर से हनुमानगढ़, जोधपुर से चूरू, बीकानेर से गंगानगर, दुंगारपुर, हर जगह एसएफआई का झंडा आगे ले जाने का काम हुआ है। और ये काम जैसे आगे जा रहा है, जैसे मंगेश चौधरी एसएफआई राजस्थान इकाई का हमारा सचिव बोलने के समय बोल रहे थे, क्या हुआ था नोहर में जो कॉलेज में भगत सिंह का स्टैचू लगाने का काम, ये काम विद्यार्थी लोग ने लिया था, तो भगत सिंह का स्टैचू लगाने का काम जब शुरू किया, ये लोग बोल दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ये कठपुतली लोग बोल दिया कि नहीं ये लगा नहीं सकते है, 144 धारा जारी कर दिया। और हम लोग का यही अनुभव है, लड़ाई का अनुभव, संघर्ष का अनुभव, कि रात में 144 था, उसके बावजूद भी हजार विद्यार्थी इकट्ठे हुए और एसएफआई का अगुवाई में वही कॉलेज में हम लोग भगत सिंह का स्टैचू का स्थापना किया। ये लड़ाई, ये जो संघर्ष राजस्थान के अंदर चल रही है, और ये संघर्ष में मुझे देखने को मिला कॉमरेड बलवन पुनिया इधर मौजूद है, जानलेवा हमला हुआ था भादरा में, वो जगह में हनुमानगढ़ में, ये लीकर माफिया के खिलाफ लड़ते लड़ते कॉमरेड बलवन पुनिया के ऊपर हमले हुए थे, फिर ये हमले हुआ, ये भादरा कॉलेज का शहीद हो गए कॉमरेड अजीत सिंह बेनीवाल, ये लीकर माफिया जिस तरीके से हमले किया, और ये हमले चल रहे है 21 दिसंबर, जिस तरीके के हमला यहाँ हुआ, और फिर हमला चारों ओर, चूरू में हमला हुआ, नौहर में हमला हुआ, सरदार शहर में हमला हुआ, हर जगह हमला चल रहा है, क्योंकि एसएफआई आगे बढ़ रहे हैं। एसएफआई को खत्म करने के लिए मैं सिर्फ एक बात महारानी के लिए यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, मुझे मैं क्या था पिछले कुछ रोज पहले इधर आकर जेल के अंदर ये कॉमरेड लोग जहाँ पर थे मिलने के लिए गए थे, आधा घंटा एक घंटा ये बात वो बात करके मिलने का परमिशन नहीं दिया मैडम, आपके पुलिस, आपके एडमिनिस्ट्रेशन। आज देखिए मैडम, हिंदुस्तान के हर जगह से विद्यार्थी लोग आए हैं, इतने लोग आए हैं, नया जेल बनाना पड़ेगा मैडम, आप क्या नहीं लग सकते। मुझे सुनने को मिला था पुलिस का ऑफिसर बोल रहे थे ये सब नाटक, ये सब नौटंकी, एसएफआई को लोग नौटंकी करते हैं, ये रोज रोज का दिक्कत पैदा हो रहा है। इस रैली के जरिए हम लोग बोलना चाहते हैं, रोज रोज का बाप था, रोज रोज का बाप है, और रोज रोज का बाप रहेगा, जब तक भुखमरी रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, हमारा लड़ाई चलता रहेगा। और पिछले ये समय में पूरी हिंदुस्तान के पैमाने में ये लड़ाई लड़ते हुए पिछले चौदवा त्रिवार्तीय सम्मेलन से ये 15वां त्रिवार्तीय सम्मेलन तक पूरी हिंदुस्तान के पैमाने में एसएफआई का 6 जावा सिपाही अपने जिंदगी का कुर्बानी दे चुके हैं। दोस्तों, ये जो कुर्बानी हो चुका है इन शहीदों का, दोस्तों एक पैगाम है, वो पैगाम है संघर्ष जारी रखने का पैगाम। और संघर्ष जारी रखने का पैगाम छोड़ते छोड़ते एसएफआई का इन शहीद लोग बोलते गए हैं, चिरागों का हिफाजत करते करते हवा का रोग बदलता नजर आता है, तू कितना आग बरसाएगा सूरज, हमने तो तुझसे ही शोले पे चलना सीख लिया है। और ये बात को आगे ले जाते हुए ये लड़ाई चलता रहेगा, ये लड़ाई को कोई खत्म कर नहीं पाएगा, ये लड़ाई को हम लोग मजबूत करेंगे,
पूरी राजस्थान के अंदर ये स्वाधीनता जनवाद समाजवाद का झंडा आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे। दिल में है तूफानों का टोली और नशों में इनकलाब, होश दुश्मन का उड़ा देंगे, हमें कोई रोके ना। आज बढ़ते जाए SFI, कटते भी जाए बढ़ते भी जाए। SFI का अखिल भारतीय सम्मेलन सफल करने के लिए आप लोग सफल करेंगे। और एक बार ये शिखर के अंदर जितने भी क्रांतिकारी लोग जनवादी लोग मौजूद हुए हैं, सब लोगों को और एक बार अभिनंदन करते हुए मैं मेरा बात को विराम देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, स्वाधीनता जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद।